हेलो, अस्सलाम वालेकुम गाइस। मैं हूँ आपका होस्ट इंजीनियर आर हसन। तो आज हम मजीद देखते हैं एक टॉपिक, बेसिकली इसमें मैंने बेसिकली थोड़ा सा वर्किंग की है। तो यह हमारे पास है रेस्टोरेंट डिलीवरी टाइम प्रिडिक्शन यूजिंग पाइथन एनालिसिस। और इसमें हमने पाइथन को अप्लाई किया है रेस्टोरेंट्स वगैरह के जो बिजनेस के बेसिकली काम होते हैं, तो इसमें पाइथन मशीन लर्निंग को हमने अप्लाई किया। और मशीन लर्निंग के साथ हमने इसमें जो टूल्स अप्लाई किए उसके हवाले से आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। तो इसमें हमारे पास मशीन लर्निंग को जब हमने अप्लाई किया, तो इसमें कोर्स कंटेंट जो है वो ये है कि हमारे पास ये बैकग्राउंड ऑफ प्रोजेक्ट है, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट है, डेटाबेस एक्विजिशन है, इंपोर्ट लाइब्रेरीज है, ओवरव्यू ऑफ डेटा नल वैल्यूज़। और इसमें हमने मुख्तलिफ जो है रिलेशनशिप अप्लाई किए। उसके बाद जो है इसमें हमने रिलेशनशिप से जो ड्राइव हुआ है, जो एसेंशियल जो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप्स हैं, वो हमने निकाले। फिर उसके बाद इसमें प्रिडिक्शन मॉडल अप्लाई किया। उसके बाद इसमें हमने न्यूरल भी अप्लाई किया है, और डेटा की जो है वो हमने जो रिज़ल्ट है वो भी इसमें मतलब दिखाया। तो ये सारा इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इसमें हमारे पास बैकग्राउंड ऑफ प्रोजेक्ट में हमारे पास ये है कि हम मशीन लर्निंग जो है वो बिजनेस ऐसी बिजनेस प्रॉब्लम्स पे लगाने के लिए बड़ा हेल्पफुल जो है, वो कॉम्प्लेक्स डेटा होता है और दूसरे पैरामीटर्स को एनालाइज करना होता है, और फिर फोरकास्ट करके जो है एक नया मतलब प्रिडिक्टेड मॉडल पेश करना होता है, कि जिसकी बेस पे हम लोग फ्यूल सेविंग और मुख्तलिफ जो है हमारा जो है वो बेसिकली पर्पस हो सकता है। जैसे इस केस में फ्यूल सेविंग है, और मुख्तलिफ हमारे अकाउंट्स के हवाले से भी है कि फाइनेंस वगैरह की सेविंग भी आ जाती है। तो ये इसमें हमारे पास ये मॉडल है। तो इसमें मुख्तलिफ ये डेटा सेट हमने रिव्यू किए हैं, जो कि मुख्तलिफ इसमें पिछले लोगों ने काम किया हुआ है, तो इससे हमने मजीद आगे काम करना है, तो इसलिए हम लोगों ने ये से रिव्यू किया। इसके बाद हमने इसका ये ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने चूज़ क्यों किया ये प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग की, और इट कैन सेव फ्यूल और टाइम। और इसी तरीके से फिर हमने ये डेटा जो है वो कैगल से लिया है। कैगल का मैंने यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, कैगल का लिंक यहाँ पे है, वहाँ पर डेटा यहाँ से ले लेंगे। यहाँ पर वहाँ पर डेटा डाउनलोड हो जाएगा, और उसके अंदर 11 जो है वो डिटेल 11 कॉलम्स के अंदर वहाँ पर डिटेल है अवेलेबल। तो ये जो है कैगल से डाउनलोड करने के बाद हम डेटा सेट की एक्विजिशन जो है वो बेसिकली करेंगे, और डेटा सेट की एक्विजिशन के बाद लाइब्रेरीज को इम्पोर्ट करेंगे। लाइब्रेरी से कोई इम्पोर्ट हमारे पास करने का वही तरीका नंपाय, और दूसरी जो हमारे पास पाइथन के अंदर लगती है हुआ, तो हमने ये हेडर दिखा देगा जो हमारा डेटा का है 11 जो हमारे पास कॉलम से। फिर डेटा का ओवरव्यू अगर कोई नल वैल्यू है तो वो भी इसके सामने आ जाएगी, तो इसमें हमारे पास एंट्रीज भी आ गई और कॉलम्स भी आ गए। फिर इसके बाद हमने इसके अंदर नल वैल्यूज़ को देखा तो 0 थी, तो हमने कोई डेटा क्लियर नहीं, हमें रिकॉर्ड नहीं थी। फिर इसी तरीके से हमने डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए आर्विनसन का फॉर्मूला लगाया, जो कि बेसिकली पॉइंट टू पॉइंट डिस्टेंस जो है वो अराउंड दी अर्थ मालूम करने के लिए होता है। तो हमारे पास ये आर्विनसन का फॉर्मूला है, और ये बड़ा मशहूर है। तो इसमें हमारे पास ये आर्विनसन का फॉर्मूला है, रेडियस मल्टीप्लाई बाय कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट निकालने के लिए हमें ये निकालना पड़ेगा, और साथ ये ऊपर की वर्किंग करनी पड़ेगी, लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड दोनों हमारे इस्तेमाल होंगे। फिर इसके बाद हमने डेटा एक्सप्लोरेशन किया। डेटा एक्सप्लोरेशन के अंदर हमने ये रिलेशनशिप अप्लाई की है जो हमारे पास डेटा में मौजूद थे, जो डेटा हमारे पास टाइम था और एज ऑफ द राइडर थी, तो हमने अप्लाई किया है। तो इससे हमने रिलेशन देखा कि एक रिलेशन है, जितनी ज़्यादा जैसे जैसे एज बढ़ रही है तो उतना उतना टाइम भी बढ़ रहा है, इससे मालूम हो रहा है। फिर रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड रेटिंग्स, रेटिंग्स बेसिकली जितना टाइम के हिसाब से जो रेटिंग्स हैं वो भी उनका इनवर्स रिलेशन है, कि जितने कम टाइम लिया है उसकी रेटिंग ज़्यादा है, तो ये इससे हमें मालूम हो। इसी तरीके से हमने रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्डर, किस टाइप का ऑर्डर है और कौन से व्हीकल की टाइप यूज़ हुई है और कितना टाइम लगा है उस दरमियान, ये 3 पैरामीटर्स के दरमियान एक टेबल बनाया है, बॉक्स जिसे बॉक्स टेबल है वो स्कैटर प्लॉट से बॉक्स टेबल है। तो इसमें हमारे पास यहाँ पे स्नैक्स आ गए जो हमारे पास हैं मुख्तलिफ कलर से। फिर उसके बाद नीचे हमारे पास एक्सेसिव पे बाइसिकल्स और स्कूटर जो है डिलीवरी मोड आ गया, इसी तरीके टाइम टेकिंग जो हमारे पास वाइक्सिस पर आ गया। तो इसमें हमने ये पता लगाया कि ये जो लास्ट वाला जो हमारा रिलेशन था ये लेस सिग्निफिकेंट है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा चेंज हमें ऑब्जर्व नहीं हुआ,
इसके बाद हमने जो चेंज ऑब्जर्व हुआ वो हमारे ऊपर के दो जो रिलेशन थे उसमें हुआ, जिसमें रेटिंग्स आ गई और एज आ गई और साथ साथ लोकेशन और दोनों पॉइंट्स के दरमियान लोकेशन डिलीवरी और डिलीवरी के लोकेशन पे। इसी तरीके से हम डिलीवरी टाइम की प्रिडिक्शन यहाँ पे लगाएंगे। डिलीवरी टाइम की प्रिडिक्शन हमने जब लगाएंगे तो यहाँ हमें अपनी लाइब्रेरीज को जो स्प्लिट है इसके लर्न है उसको अप्लाई करेंगे और मॉडल अपना एल एस टी एम पे बेसिकली रन करेंगे। तो एल एस टी एम जब हम रन करेंगे तो डेटा रीड करेगा, डेटा रीड करेगा तो फिर हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगे और न्यूरल हम इसमें अप्लाई करेंगे। तो हमें इसमें जो प्रोजेक्ट में हमें ये फाइंड आउट हुआ है कि ये जो है डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट डिग्री लोकेशन जो है वो बेसिकली ज़रूरी है, और इसके साथ साथ हमें रिलेशनशिप भी फाइंड आउट करना है। पास टाइम जो है फूड जो डिस्टेंस है वो भी हमें आसानी से जो है वो उसमें हमें हेल्प करेगा जो हमारे फ्यूचर में डिलीवरी होंगी। तो ये हमारे पास रिचर रिव्यू था। इसके साथ हमने पैरेलल में हमने रिपोर्ट भी इसकी बेसिकली बनाई है जो हमने इसमें वर्किंग की है, इसमें इंट्रोडक्शन और जो कोर्स वगैरह लगाए हैं उसके हवाले से हमने डिटेल इसके अंदर शेयर की है। इसके साथ साथ हमने इसके अंदर जो है कोड जो बेसिकली पाइथन पर रन किया उसका भी रेफरेंस जो लगा दिया है। डेटा हमारे पास टेक्स्ट फॉर्म में था तो जो हमने यहाँ स्टेप किए हैं बेसिकली वो, तो इसमें हमने मुख्तलिफ सोर्सेज से जो वो फॉर्मूलाज देखे हैं और उस पर वर्किंग किया। तो सो ये आपकी तरफ इसको बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो आपको देना था, तो ये सारी चीज़ें मैं शेयर कर दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह।